और मैं भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम समीफ की कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी में दो क्वेश्चन तो आप लोगों ने मोस्टली सभी लोगों ने सॉल्व किया है, दो क्वेश्चन में जैसे देख रहा हूँ कि सब किसी ने सॉल्व नहीं किया है। तो जैसे कि क्वार्टर की बात करें तो यहाँ हम क्वार्टर की ये बात करते हैं कि क्वार्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के इसमें से इस वन को अलग करना है, राइट? रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी, हमने दे दी है परमिशन, दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं सॉरी राइट लगेगा, राइट का फॉर्मूला लगाना है और इसमें से एक डिजिट को अलग करना है ताकि 1, 2, 3 इस तरह से हमारे पास आ जाए। अब मुझे 1 आना है तो मुझे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे ऐसे जो है इसके क्वार्टर के स्टार्टिंग मंथ डालने हैं। इसके लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला चूज का कि लेफ्ट का 1 अगर यहाँ पे जैन है, हालांकि इफ भी लगा सकता था लेकिन इफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, इसलिए यहाँ पे हम चूज का फॉर्मूला लगाया कि अप्रैल है, जुलाई है, सितंबर है, सितंबर अक्टूबर होगा ना, अक्टूबर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इस महीने का स्टार्टिंग मंथ हमें पता चल जाएगा, ओके? अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1- और यहां पे डैश, इसके साथ हम इसका ईयर ऐड कर देते हैं। पे गड़बड़ है, तो यहां माइनस लग गया। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमारा L4 को फ्रीज करना होगा। आगे ड्रैग हो गया आसानी से, ओके? अब मैं यहां पे सम इफ निकाल लगाऊंगा, सम इफ्स, और इसमें बोलूंगा रेंज, सम रेंज, तो डेटा में सम रेंज हमारा हो गया MRP या फिर क्वांटिटी जाता है क्राइटेरिया 1 रेंज, तो आई थिंक सिटी है हमारा, और यहाँ समरी में हम सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्राइटेरिया 2 रेंज में हम डेट को लेते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके साथ जो है हम समरी में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके? और फिर वापस हम आते हैं डेट पे और इसको सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे इसका ये चाहिए स्टार्टिंग, तो इसके साथ N% EO मंथ दे दिया और EO मंथ में हमने बोल दिया L6, 2 ताकि अगले महीने का डेट हमें दिख जाए और यहाँ पे रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। समझ में आया आपको? किसी को डाउट है सर? दोबारा बताएं सर थोड़ा सा प्लीज। क्या दोबारा बता देंगे प्लीज सर? दोबारा कर देंगे, इसको दोबारा क्लियर कर देंगे। बताता हूँ आपको, सब ये समझ में आ गया कि हमने डेट कैसे निकाला हर में हर में हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का। तो सर क्वार्टर तो पहला क्वार्टर तो सर मार्च ही होना चाहिए, अप्रैल पहला, अब जनवरी होगा पहला क्वार्टर। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग डेट। अच्छा क्वार्टर की स्टार्ट डेट तो जैन ही होगा ना, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये ना होगा सर? सही सही सही, समझ गया ना। तो हमने जब कंडीशन दिया तो पहला कंडीशन हमने डेटा किसको सम करना है, दूसरा हमने सिटी को दे दिया, तीसरा में हमने जो डेट दिया हमने बोला कि स्टार्टिंग ग्रेटर देन 1 जनवरी, समझ गया? और फिर दूसरा कंडीशन में दिया ईओ मंथ 1 जनवरी, 2। अब 2 लगा लिया तो जनवरी को स्किप करेगा, फरवरी को स्किप करेगा, मार्च का लास्ट डेट दिखाएगा, तो क्या देगा 31 मार्च। जो सेकंड वाला है, इस सेकंड वाला है ना, इसको थोड़ा सा मतलब अभी इसकी बात कर रहे हैं ना आप, बता रहे कि ये इसको हमने इसलिए 2 लगाया है कि वो स्किप करेगा,
नहीं, ईओ ये मंथ का, डेटा से ही हाँ एंड सॉरी, होता ईओ मंथ का होता है एंड ऑफ द मंथ देता है। अगर आपने यहाँ पे जीरो दे दिया तो इसी महीने की लास्ट डेट दे देगी। अगर मैंने यहाँ पे वन दिया तो उसके अगले सही है। महीने की, अगर मैंने यहाँ पे टू दिया तो अगले की अगले महीने। तो हाँ हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग हो गया ना सर, 31 जनवरी से 31 मार्च। तो यही चीज हमने सही यहाँ पे चीज ईओ है, मंथ यहाँ लगाया हुआ है, सही सही समझ गए? बाकी सही ड्रैग सर, वगैरह तो आप कर सही ही सर, ठीक लेंगे। है। हाँ अब वीक पे आते हैं, तो वही मैं सबसे पहले तो राइट का फॉर्मल लगाऊंगा और इसमें से वन को अलग करूंगा। लगो गया 1 2 3 4 क्या? अब मुझे तो यहाँ पे वन करना है, यहाँ पे 8 करना है, यहाँ पे 15 करना है सर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 7 और माइनस 6 कर दूं तो क्या होगा? आ गया, समझे कि नहीं सर? हेलो, जिस समझ में आया कि नहीं? हमने मल्टीप्लाई 7 माइनस 6 कर दिया तो हर वीक का स्टार्टिंग नंबर आ गया। 1 से 7 होता है ना, तो पहला वीक 1 से 7 चलेगा, दूसरा वीक 8 से 14 चलेगा, तीसरा वीक 15 से 21 चलेगा, क्या चौथा वीक चलेगा आपका 22 से 27? 22 से 27 नहीं होगा, अच्छा सर, 22 से हाँ 28 29 होगा। हाँ सही होगा, बच्चों का 28 हुआ ना, 28 में खत्म होगा, 29 से स्टार्ट होगा, पांचवा भी 29 से स्टार्ट होगा। इस पे जो है हम यहाँ पे डेट बनाएंगे इक्वल जो मंथ हम देंगे उस मंथ के हिसाब से, 10% 2019 वापस 10% डैश, और फिर मैं गड़बड़ कर दिए, मैं पहले ये करना है ना, हाँ 10% डैश 10% मंथ, ठीक है? बाबा आप कौन सा स्का अब मैं इसमें इसको प्लस कर दूंगा। दिक्कत क्या है कि प्लस होने पे एक ज्यादा हो जाता है डेट, तो माइनस वन करना जरूरी है इसमें। ओके, तो 21 में फ्रीज करके फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करना। हर वीक का फर्स्ट डेट आ गया, समझे? तो मैंने आपको बोला था कि संडे टू मंडे नहीं, 1 से 7, 8 से 15 इस तरह से निकालना है, ठीक है? क्लियर है? जी आप तो यहां पे और इजिली हम लगा सकते हैं सम इफ, कि जी सम इफ्स सम रेंज, हमने बोला सम रेंज हमारा ए है, तो ए का बोलते हैं क्वांटिटी। फिर क्राइटेरिया वन रेंज में क्या था इसका? सिटी वाइज है, हाँ क्राइटेरिया वन हमारा सिटी है। उसके बाद क्राइटेरिया टू में सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम डेट को लेते हैं कि ए रहा, और डेट में ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके साथ एन परसेंट हम यहाँ पे इस डेट को लेते हैं, फिर बोलते हैं लेस देन इक्वल यहाँ पे। इसके बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं डेटा में ई को, बोलते हैं लेस देन इक्वल टू एन परसेंट, और समरी में हम आते हैं और इसमें प्लस 6 कर लेते हैं, 7 मत कीजिएगा, 6 करेंगे, राइट? एंटर मारिए। अब इस पर एक बार एवलेट कर लीजिए, ठीक है? सही है सर, 43,466, 43,472, 43,466 और 43,472,
साथ है ना सर, इसको आगे ड्रैग कर सकते हैं आपको, और इसको जो मैंने अलग अलग लिखा है इसको आपस में मर्ज कर सकते हैं, जैसे यहाँ भी मर्ज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आपने मर्ज कर रखा है, ठीक है। तो ये फाइल में बाकी सबको रिप्लाई कर देता हूँ। सर इसमें एक सवाल था, अगर ये 2 वीक्स का यानी फोर्टनाइटली हो तो उसमें हम प्लस 14 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे -2 करेंगे? नहीं, अगर आपको दो दो वीक का लेना है, दो दो वीक का लेना है तो मल्टीप्लाई बाई 7 नहीं होगा, 14 होगा, -13 होगा। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने ये किया ना, जितने दिन का, देखिए मैथमेटिक्स है ये, इसको इससे मतलब समीप से कोई बात नहीं है, मैथमेटिक्स है। अगर आपको कोई नंबर सेम अंतराल में चाहिए, सेम अंतराल में चाहिए, वन सीक्वेंस में चाहिए, मैं तो आप जो है उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके उससे एक कम माइनस कर दीजिए। तो मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद माइनस जो है वो 13 कर देंगे, 14 से मल्टीप्लाई होगा ना, 13 मल्टीप्लाई माइनस 13 हो जाएगा ये, ठीक है। एक नंबर कम करके ना जी। फाइल भेज दिया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल से हम डेटा, ये क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो, डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, फॉर्मूले के बारे में। तब आपका 2 या 3 क्लास लिस्ट फॉर्मूला का रह गया, उसके बाद हम एडवांस फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।